हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पद्मा। आप लोग कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो गुड। और आपको तो पता है अभी मैं संबलपुर में हूँ और यहाँ का जो थोड़ा काम चल रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो मेरा जो ब्रह्म कमल प्लांट, आप देख रहे हो ना ये वाला, देखिए ब्रह्म कमल नाइट क्वीन, जो रात में फूटता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट क्वीन। और इसका नाम है एपिफाइलम ऑक्सीडेंटलम। और मैं आज ना इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया ब्रह्मा कमल प्लांट, देखिए, और बहुत ही सुंदर है। किंतु थोड़ा मेंटेनेंस के अभाव से ना थोड़ा ऐसे नीचे देखिए थोड़ा घास फूस हो गया है, लेकिन ठीक है, ठंडक है, मॉइस्ट है। और इसका जो पत्ता है देखिए कितना सुंदर। और इसका स्पेशलिटी आप बोल सकते हो, पिकुलियरिटी बोल सकते हो, पत्ते से पत्ता देखिए निकलता है, ठीक है। और ये देखिए सबसे खुशी की बात, देखिए ये हो गया इसका जो फूल, देखिए ये प्लांट ना फ्रेंड 2 इयर्स का है, अभी इसमें फूल आने लगा है। और फूल भी देख रहे हो ना आप, कहाँ यहीं पे भी देखिए एक और आने वाला है फूल। तो मैं आज इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सॉइल के बारे में फ्रेंड्स, देखिए इसका जो मिट्टी एकदम भुरभुरा, मतलब कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और जो सॉइल में तो गार्डन सॉइल और थोड़ा सा सैंड और वर्मी कंपोस्ट तीनों मिला के ये मिट्टी में लगाया हुआ है। ये हो गया सॉइल। देन टेम्परेचर इन अदर वर्ड सनलाइट। ये प्लांट ना फ्रेंड सनलाइट लवर है, और इसको एकदम ब्राइट लाइट चाहिए। और क्योंकि ये समर है ना, तो थोड़ा मैं इसको सेडी एरिया में रख दी हूँ, लेकिन धूप तो है, देखिए धूप है, लेकिन थोड़ी देर के 4-5 घंटे के बाद ये धूप अभी यहाँ से निकल जाएगा। ये हो गया सनलाइट। और वाटरिंग में ना फ्रेंड आप इसको ना, अगर समर में आप 2 दिन में वाटरिंग कर सकते हो, तो ये ज़्यादा इतना पानी इसको नहीं चाहिए। और जो विंटर में फ्रेंड आप 4-5 दिनों के बाद भी एक बार आप कर सकते हो वाटरिंग। और ज़्यादा वाटरिंग होने से ना फ्रेंड ये पूरा जो है ना, इसका जो रूट लीव सब रॉट हो जाता है, मतलब कि गल जाता है। देखिए ये वाला इतना सुंदर है ना फ्रेंड, देखिए पत्ता, और इतना इसका जो पत्ता है देखिए कितना फ्लेशी है। क्योंकि ये ना फ्रेंड, ये फ्रेंड डेजर्ट कैक्टस है, कैक्टस स्पेसिस का है, कैक्टस का डेजर्ट में उगता है, इसीलिए ना ये इसके जो लीफ है इसमें वाटर रिटेन करके रखता है, इसलिए ज़्यादा वाटर करने से ना ये गल जाता है। और ना फ्रेंड ये जो है फ्लावरिंग, देखिए ये फ्लावरिंग ना फ्रेंड ज़्यादातर समर में ही होता है, अप्रैल से सितंबर के बीच ही ये फ्लावर होता है। और ये फ्लावर क्या है पता है फ्रेंड, नाइट रात को ही खिलता है, इसीलिए इसे नाइट क्वीन बोलते हैं। और ये जो फ्लावर वाइट कलर का होता है और एकदम सुगंधित होता है, और ना सुबह होने से पहले ही ये मुरझा जाता है। तो अगर आप रखना चाहते हो तो जब ये खिलता है ना रात को, आप लेके आप इसको पानी में स्टोर करके रख सकते हो, पानी में थोड़ा डुबो के फिर रख सकते हो। और ना फ्रेंड आप इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का बहुत ही फेवरेट प्लांट है, और ये जो फूल है ना ये ब्रह्मा जी का फेवरेट फ्लावर है। इनफैक्ट शिव जी का भी और विष्णु का भी, सबका ये फेवरेट फ्लावर है। और इसको ना, और माइथोलॉजी में ही इसको ना बहुत शुभ माना जाता है, ब्रह्मा कमल प्लांट जो, जैसे कि तुलसी को भी हम लोग मानते हैं ना, वैसे ही ये प्लांट को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये रहा ब्रह्मा कमल। देन इसकी प्रोपागेशन, प्रोपागेशन क्या होता है फ्रेंड ना, आप ये प्लांट लीफ को यहाँ से कट करके अब सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा मिट्टी वर्मी कंपोस्ट दे के या फिर कोकोपीट में आप इसको लगा सकते हो, वहाँ से ही रूटिंग हो जाता है। और आप एक पत्ता लेके ना यहाँ से कट करके आप पत्ता लेके पानी में भी रख सकते हो, तो यहाँ से 2-4 दिन में ही रूटिंग हो जाता है इसका ना। स्लो ग्रोइंग है प्लांट, लेकिन जो रूटिंग ना बहुत जल्दी हो जाता है। और फ्लावर तो ये 2-3 साल में आता है,
और अभी ये 2 साल से ज़्यादा हो गया है, आया है अभी, इसलिए देख के ना इतना खुशी होता है ना फ्रेंड। तो एट लास्ट आ गया फ्लावर। और ना फ्रेंड इसका ना कई सारा मेडिसिनल वैल्यू भी है, जैसे जो गायनिक प्रॉब्लम में ना ये यूज़ किया जाता है, और जो ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इसका जो लीफ का यूज़ किया जाता है, पता है। तो ये मेडिसिनल भी है, और घर में रखने से भी एक जो बोलते हैं ना हेल्थ वेल्थ सब गुड विल सब लेके आता है ये प्लांट, इसलिए इस हर एक घर में इसको तो रखना ज़रूरी है फ्रेंड। और ये विंटर में डोरमेंट हो जाता है, तो इसको विंटर में ऐसे छोड़ देना चाहिए, और जितना भी प्रोपागेशन है रिपोर्टिंग है सब आपको समर के बीच अप्रैल मई में करना चाहिए। और इसकी रिपोर्टिंग के बारे में, इतना जल्दी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए प्लांट इतना, और छोटा जब प्लांट हुआ था ना तो छोटा सा पॉट में था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है ना तो बड़ा पॉट में, और जितना भी आप बड़े पॉट में रखोगे ना प्लांट इतना जल्दी जल्दी ग्रो करता जाएगा। और ये देखिए तीन फुट करीबन 3.5 फुट हो गया है, तो यही प्लांट इसी में ही रख के ना थोड़ा प्रून करके आप ये फूल हो जाएगा ना, फिर यहाँ से प्रून कर दूँगी, करने के बाद ना यहाँ से फिर बूसी होएगा, और रेस्ट अब जो प्रूनिंग स्टेम है ना उसको हम लोग प्रोपागेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये हो गया फ्रेंड मेरा जो और ना फ्रेंड संबलपुर में इतना गर्मी है ना, इसीलिए पहले वो उधर था मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में, अभी थोड़ा फिर ज़्यादा एकदम ज़्यादा धूप हो गया है ना, तो इसको इसीलिए थोड़ा प्लेस इसका अलग कर दी हूँ, क्योंकि ये अभी खिलने को आया है। तो बस देखिए, और मेरा ये ब्रह्म कमल आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। और ये प्लांट में ना फ्रेंड अभी जैसे कि अभी फ्लावरिंग आया है ना, तो अभी थोड़ा सा हम लोग फर्टिलाइज इसको कर सकते हैं, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके ना वर्मी कंपोस्ट दे देने से अच्छा से फ्लावरिंग होता है। और अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो ना तो थोड़ा नीम ऑयल हम लोग स्प्रे करके ये प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं फ्रेंड।